नमस्कार। बिग बॉक्स सीजन 12 अक्सर हम बात करते हैं इसमें आने वाले कंटेस्टेंट्स की, यानी के घर वालों की, वो कैसा खेल रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, ये सब बातें हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी खूब इसका डिस्कशन होता है। तमाम यूट्यूब चैनल्स, टीवी चैनल्स, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में, लेकिन कलर्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। इस बिग बॉस का जो ये टोटल प्रोग्राम है, इसके फॉर्मेट के बारे में बातें बहुत कम होती हैं, उसकी समीक्षा भी बहुत कम होती है। शायद इस वजह से कि सलमान खान का ऑरा इतना बड़ा है कि कोई इस लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिग बॉस सीजन 12 का सलमान खान का जो पार्ट है, जब वीकेंड का वार में वो आते हैं, उसमें काफ़ी जो है मुझे अजीबोगरीब तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। मुझे तो थोड़ा सा ये बोरिंग भी लगता है। पहले हफ्ते में एक बार आते थे वो, अब हफ्ते में दो बार आने लगे हैं, कई सीजन से आ रहे हैं दो बार। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा ज़्यादा पकाते हैं सलमान खान? जी हाँ, अब जैसे लेटेस्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा, उसमें गोविंदा उनके साथ आए। गोविंदा अपनी फिल्म प्रमोट करने आए थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कैसा प्रमोशन किया ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि फिल्म का नाम फ्राइडे है, उनकी फिल्म का नाम फ्राइडे, और फिल्म किस बारे में है, कौन उसमें बाकी कलाकार हैं, क्या है, ये तो कोई डिस्कस नहीं हुआ। सलमान खान के साथ वो गानों पे गाते रहे, डांस करते रहे, वो बेफालतू की हरकतें करते रहे। मुझे तो ये बहुत ही बोरिंग लगा। बिग बॉस देखने वाले लोगों के बारे में अगर मैं ओपिनियन की बात करूँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे लगते हैं जो सही मायनों में बिग बॉस में रह रहे घर वालों के बीच की हरकतों को देखना चाहते हैं। उन लोगों ने क्या किया, कौन किसके साथ कैसे बात कर रहा है, ये सब बातें वो देखना चाहते हैं। लेकिन इस चीज़ को तो दिखाया ही नहीं जाता, या तो टास्क दिखाए जाते हैं या फिर सलमान खान दिखाए जाते हैं। इससे बेहतर मुझे नज़र आता है MTV पर आने वाला बिग बॉस का एक्स्ट्रा डोज, जो कि अनकट होता है। उसमें लगातार आप देख सकते हैं कि कैसे घर वाले चाय बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और नॉर्मल बात भी बैठकर करते हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं, एक दूसरे की कहानियां जानते हैं। दीपक ठाकुर ने अपनी कहानी सुनाई, श्री संत ने अपनी कहानी सुनाई, दीपक ठाकुर ने तो अपनी कहानी कई पार्ट में बताई, अनूप जलोटा अपने बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं अपने कार्यक्रमों के बारे में, वो मुझे ज़्यादा रियल नज़र आता है। सलमान खान वाला पार्ट मुझे बहुत फेक नज़र आता है। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 12 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, वो है बिग बॉस का बैंड। वो बहुत ही बेसुरा और नहायत ही वाहियात है। बिग बॉस के इस बैंड में जो सिंगर बैठी हुई हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल बेकार है। और कल तो ये भी साबित हो गया, जब सलमान खान और गोविंदा को धुनें पहचाननी थी तो किसी भी धुन को वो ढंग से नहीं बजा सके। जी हाँ, सलमान खान अपनी फिल्म मैंने प्यार के का गीत नहीं पहचान पाए, तो फिर उन्होंने क्या बैंड बजाया, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। इससे बेहतर तो ये होता था कि बैकग्राउंड में कोई सलमान खान का गीत प्ले किया जाता था और सलमान खान की एंट्री हुआ करती थी। अब इस बैंड पर सलमान खान की एंट्री होती है, ये बैंड बिल्कुल भी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे तो तुरंत बिग बॉस को खत्म कर देना चाहिए। कलर्स के अगर प्रबंधक इसे देख रहे हो मेरे वीडियो को, तो उन्हें इस पर तुरंत विचार करना चाहिए, इसे बंद कर देना चाहिए, इसकी जगह कोई और कॉन्सेप्ट लाएं। और इसके अलावा सलमान खान जब आते हैं वीकेंड का वार पर, शनिवार और रविवार, तो उसमें घर वालों का जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं वो भी दिखाई जानी चाहिए। केवल सलमान खान को ही एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंट एपिसोड में हुआ, गोविंदा जब चले गए और सलमान खान भी जब चले गए, उसके बाद काफ़ी देर तक दिखाया गया दीपक ठाकुर का और क्या नाम उसका, शिवाशीष का झगड़ा हुआ, उसे काफ़ी कुछ दिखाया गया। तो इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए और ये बैंड तो बंद ही कर दिया जाना चाहिए। ये मैं जनरल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। और बिग बॉस अगर इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं बिग बॉस के संचालक, तो उन्हें इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द बिग बॉस के अगले हिस्से का रिव्यू करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हर्ष की बात। थैंक यू।